एक वार एक पिंड दे बाहर जंगल दे कोल बांदर बांदरी दा जोड़ा रहिंदा सी। ओह पिंड विच ही इधरों उधरों कुछ खा के ढिड भरदे सन। पिंड दे बच्चे उन्हां दे नाल बहुत प्यार करदे सन, पर पिंड दे लोग डरदे बच्चे नूं इन्हां जोड़े तों दूर रखदे सन। कुछ समय बाद बांदर बांदरी ने एक बच्चे नूं जन्म दिता। बांदर बांदरी ने बच्चे नूं बहुत प्यार नाल पालिया। एक दिन एक मदारी की नज़र दरख्त ते बैठे छोटे बांदर ते पई ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭਾਂਪ ਲਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਂਦਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸੀ। उसने बच्चे नूं आसपास खेडन लई इकला छड़ना शुरू कर दिता। बच्चा शरारती सी, एक दिन ओह खेडदा खेडदा दूर निकल गया अते मदारी उस नूं चुक के लै गया। कुछ दिन ओह बच्चे नूं लभदे रहे पर ना मिलिया। सुभावक ही जानवर होण कारण उन्हां पहलां दी तरह रहना शुरू कर दिता। फिर कुछ समय बाद बांदरी ने एक होर बच्चे नूं जन्म दिता। इस वारी उन्हां ने बच्चे दा बड़ा ध्यान रखिया अते हमेशा अपनी अक्खां सामने रखदे सी। छोटे बच्चे नूं टपूसियां मारदे देख के पिंड दे बच्चे उस नाल खेडन आ जांदे। ज्यादा समा इंसानी बच्चियां नाल बतीत करन कारण उस दी इंसानी बच्चियां नाल गूढ़ी सांझ पै गई। बांदर बांदरी बच्चे नूं बहुत समझाउंदे, मनुखी जात नूं प्यार समझ नहीं आउंदा, ओह तां अपने खून दे सके भरा नूं नहीं बख्शदे। जदों तेरे तों मन भर जावेगा तां तैनूं फिर पुछणगे वी नहीं, तेरे प्यार दी कदर नहीं करनगे। बच्चा अपने मां प्यो दीआं गल्लां हमेशा अणसुणिया कर दिंदा। कुछ ही दिन निकले सन कि मनुख दे बच्चे आपस विच लड़ पए। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की अख उपर घरूंड मार दिता जो बिल्कुल नहोदरा की तरह लगता सी। उस बच्चे ने डरदिया कि घरों गाला पैणगिया उसने बांदर दे बच्चे का नाम लगा दिता कि बांदर ने बच्चे ने नहोदर मारी है। बच्चे की मां ने सारे पिंड विच रौला पा दिता कि बांदर का बच्चा साडे बच्चियां नूं मारन लग पिया है, बांदर का बच्चा नहोदरा मार के साडे बच्चियां नूं अन्ना कर देवेगा। गुस्से विच आए लोगों ने डंडे सोटियां चुक लईयां ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਂਦਰੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਂਦਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, बिना सोचे समझिया किसी ते यकीन नहीं करना चाहिदा, खासकर इंसाना ते। पर बच्चे दी गलती नाल जान चले गई अते दर्द असी सह रहे हां। बांदरां दी उदासी दा किसी ते भी प्रभाव ना पिया। लोग अपने कम्मां विच रुझ गए जिवें कुछ होया ही ना होवे।